रिश्तेदारियों में बहुत औपचारिकताएं होती है मेरे भाई, रिश्तेदारी में ऊंच नीच की बातें होती हैं। रिश्तेदारी वो होती है, कोई मुझसे पूछे कि रिश्तेदारी महान होती है या दोस्ती, तो मैं पुलक सागर कहूंगा रिश्तेदारी छोड़ सकता हूं, लेकिन दोस्ती सबसे बड़ी चीज हुआ करती है। दोस्ती में कुछ ऊंच नीच नहीं होता है दोस्ती में, रिश्तेदारी में तो रिश्तेदारों से संभल संभल के बोलना पड़ता है, हमको पूछा नहीं, हमारा सम्मान नहीं किया, हमारा ये रिश्तेदारियों के लफड़े हैं, हम उनके घर गए हमें पानी को नहीं पूछा। दोस्त ऐसा कभी नहीं कहता है मेरे भाई, दोस्त के मन में ये बातें कभी नहीं आती हैं। रिश्तेदार में बहुत सी रिश्तेदारी निभाना पड़ती है, दोस्ती निभाना नहीं पड़ती, दोस्ती तो जीना पड़ती है, आनंद के साथ दोस्ती जी जाती है मेरे भाई। रिश्तेदार शिकायत से भरे होते हैं, कभी कमर साहब आ जाए, दामान जी आ जाए यदि आपके घर में, खाएंगे पिएंगे, तिलक भी करवाएंगे, टिफिन भी ले जाएंगे, और घर जाके कहेंगे मजा नहीं आया दत्त की, मर गया वो करते करते ससुर साहब, तुमने क्या दिया, मजा नहीं आया। विचार करिए, ये रिश्तेदारियां होती हैं, और दोस्ती तो वो होती है, यदि दोस्ती का आनंद लेना है तो नारायण कृष्ण सुदामा के चिवड़े का आनंद लिया करते हैं, जो 56 भोगों में आनंद नहीं आया करता है। दोस्ती बड़ी आनंद प्रदायक होती है, आपसे एक निवेदन है।